हमारा शरीर और हमारा जो मानसिक जेंडर है और जो शारीरिक जेंडर है वो दोनों मैच नहीं होता है। अभी मेरे काफ़ी बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं, लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था शुरू में, तो मैं वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसको भी नहीं पता कि वो क्यों है ऐसी, वो क्यों है ऐसा। अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें वो जैसा भी है और उसका जेंडर को अफर्म करवाएं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर से एक अजब गजब मामला सामने आया है। अशोकनगर में लकी नाम के लड़के ने गजब कारनामा कर डाला। दरअसल यहाँ एक लड़के ने खुद को लड़की में बदल दिया है। संभवतः यह अशोकनगर का ट्रांसजेंडर का पहला मामला है। बचपन से ही लकी को लड़कियों का रहन सहन भाता था। धीरे धीरे उसे ये आभास होने लगा कि उसका शरीर और दिमागी स्थिति एक समान नहीं है। उसने अपने परिवार में इस बारे में बताया और काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद आखिरकार लकी शहर की पहली ट्रांस गर्ल एवा बन गया है और अब काफी खुश भी है। एवा ने अपने अब तक के सफर और संघर्ष को हमसे साझा भी किया। तो ये सबसे पहले तो बचपन से ही चालू होती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा शरीर और हमारा जो मानसिक जेंडर है और जो शारीरिक जेंडर है वो दोनों मैच नहीं होता है। इस वजह से जो सारे संघर्ष होता है वहीं से चालू होता है। तो जो मैच और मिसमैच की जो चीज़ें होती हैं तो शुरुआत से ही वो चीज़ें चलती आती हैं। और हम कोशिश करते हैं कि जब जो ट्रीटमेंट चालू करते हैं और जो सर्जरीज करवाते हैं, जो कुछ भी चेंजेस करवाते हैं, ताकि हमारा जो मानसिक जेंडर है और हमारा जो शारीरिक जेंडर है दोनों एक से मैच कर पाए। वो अगर वो मैच नहीं करता तो वो बहुत मिसमैच होता है और बहुत रोज़ की लाइफ में बहुत तकलीफ देता है। ट्रीटमेंट अभी मेरे को हार्मोन थेरेपी भी हूँ मैं, तो सबसे पहले एक साइकिस्ट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है, डायग्नोसिस होता है, वहाँ पर जाके वो सर्टिफिकेट देते हैं, तब जाके वो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हार्मोन के डॉक्टर। तो वहाँ पर फिर वो हार्मोन थेरेपी चालू करते हैं। तो हार्मोन थेरेपी से बहुत शरीर में चेंजेस चालू होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जो कि तो वो चेंजेस चालू होते हैं। तो अभी मेरे को लगभग 13-14 महीने हो चुके हैं, अभी मेरे काफ़ी बॉडी में चेंजेस आ चुके हैं। समाज में, दोस्तों में तो ये वो तो सब ऊपर नीचे, लोगों ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था शुरू में, तो आई वॉज स्ट्रगलिंग अलोन और टोटली मैंने सब कुछ अकेले देखा है। मैं ट्रीटमेंट करवाने दिल्ली जाती थी, अभी भी जाती हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि हम ऐसी जगह हैं कि यहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है तो हमें बाहर ही जाना पड़ता है। मैं अकेले जा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ अकेले, उसके बाद में फिर समाज का, सोसाइटी का, परिवार का, फिर रिश्तेदारों का, हर एक चीज़ से सामना करना पड़ता है। और इसको तोड़ने के बाद, इन सारी चीज़ों को सब समाज को तोड़ने के बाद जो निकल के आता है वो सामने वाले, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि अभी मैं क्या हूँ। देखिए, अगर आपका बच्चा कोई ट्रांस लड़की है या ट्रांस लड़का है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है, आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो आप कुछ भी कर लो, कितना भी ट्रीटमेंट कुछ भी करवा लो, कुछ नहीं होने वाला, सामने वाले की लाइफ वही है। वो उसको भी नहीं पता कि वो क्यों है ऐसी, वो क्यों है ऐसा। तो बचपन से ही रहता है सब कुछ और आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बच्चे की लाइफ ख़राब होगी, आप अपनी लाइफ ख़राब कर लोगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को एक्सेप्ट करें वो जैसा भी है और उसका जेंडर को अफर्म करवाएं।